Today in this video, we are going to start with synopsis of oral pathology. ये वीडियो उनके लिए है जो MDS aspirants हैं, जो currently BDS कर रहे हैं और आगे MDS further करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ important है. Okay, so as far as हम अगर हम oral pathology की बात करें, तो oral pathology बहुत ही vast subject है. उसका जो सैनोप्सिस है, जो एक बुक आती है डेंटल पल्स, उसमें एक सैनोप्सिस नाम का एक चीज़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको उसको हर एक चीज़ आपको उसको याद करनी होती है. तो आज हम सैनोप्सिस शुरू करने वाले हैं और ये पहली वीडियो है हमारी ओरल पैथोलॉजी के सैनोप्सिस की. तो हम इस टेबल में इस वीडियो में लर्न करने की कोशिश करेंगे हमारा सैनोप्सिस, जो कि बहुत बड़ा है. तो मैं कोशिश करूंगी कि छोटी छोटी वीडियोस से काफ़ी सारी लेकिन छोटी छोटी वीडियोस डालूं, क्योंकि जो बहुत बड़ी वीडियो होती है वो जल्दी से ग्रास्प नहीं हो पाता, चीज़ें ग्रास्प नहीं हो पाती. तो वो छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक अगर हम रोज़ डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे रोज़, तो आई थिंक दिस विल बी बेटर. वीडियोस का काउंट बढ़ सकता है, नंबर बढ़ सकता है, बट वीडियो में छोटा छोटा ही हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. यहाँ पे हम सबसे पहले साइनोप्सिस में हम सबसे पहले कुछ साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये साइंस साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निकोल्सकी साइन, ऑस्पिट साइन, हिगमनाकी साइंस, टोरोसे साइंस. तो ये सारे साइंस हम पढ़ने वाले हैं. बेसिकली दिस इज समवट रिलेटेड टू मेडिसिन ऑल्सो, तो आपका दोनों चीज़ कवर अप हो जाएंगी. आपकी ओल्ड मैथ भी कवर हो जाएगी, आपकी मेडिसिन, ओल्ड मेडिसिन जो OMR आप कहते हो, ओल्ड मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी छोड़ के जो ओल्ड मेडिसिन होती है वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएगी. तो आई थिंक दिस विल बी यूजफुल. ओके, सो व्हाट इज निकोल्सकी साइन? यहाँ पे मेन मेन चीज़ हमें लर्न करनी होती है, यही मेनली क्वेश्चन में आता है. निकोल्सकी साइन जो पहला चीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं निकोल्सकी साइन, तो उसमें ये कहाँ कहाँ दिखता है. निकोल्सकी साइन हमें तीन जगह पे दिखता है, मेन मेन जो तीन जगह है वहाँ हमें ये दिखता है. निकोल्सकी साइन हमें पेम्फिगस, फेमिलियल बिनाइन क्रॉनिक पेम्फिगस और रिसेसिव फॉर्म ऑफ एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा. ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, जो ओल्ड पैथ है, जो मेडिसिन है, वो बहुत ही ज़्यादा लर्न करने वाला सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ता है. अब जो नाम है, जैसे कि पेम्फिगस हो गया, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा हो गया, ये नाम ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये हमें लर्न करने हैं और एक छोटे सिंपलेस्ट वे में लर्न करना, ताकि हमें काफ़ी टाइम तक याद रहे. निकोल्सकी साइन, निकोल्सकी साइन समझते हैं कि होता क्या है. सबसे तो पहले लॉस ऑफ एपिथीलियम ड्यू टू रबिंग रिजल्टिंग इन रॉ सेंसिटिव स्किन. क्या होता है कि जो दो आपकी जो एपिथीलियम होती है, अगर हम उस एपिथीलियम को रब करते हैं किसी चीज़ से, तो उसके ऊपर की लेयर उतर जाती है, जैसे कि एक नीचे एक अच्छी सी सेंसिटिव सी स्किन आ जाती है. तो अगर ऐसा होता है, कभी आपने ऐसे देखा हो किसी पेशेंट को, कि आप उसका ऊपर का सर्फेस रब करें और उसका नीचे से ऐसे रॉ सेंसिटिव सर्फेस निकला है, तो दिस मे बी अ साइन, दैट इज निकोल्सकी साइन. तो ये पेम्फिगस में देखा जाता है, फेमिलियल बेनाइन क्रॉनिक पेम्फिगस में देखा जाता है और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में देखा जाता है. आपको ये चीज़ लर्न करनी है, दैट इज पी पी फॉर पेम्फिगस, फिर FBCP, FBCP फेमिलियल बेनाइन क्रॉनिक पेम्फिगस एंड देन एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा EV. तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं निकोल्स की साइन. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्पिट साइन. ऑस्पिट साइन क्या होता है? ऑस्पिट साइन इज सीन इन सॉरियासिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑस्पिट साइन, ऑस्पिट साइन, ऑस्पिट साइन आपका और सॉरियासिस में दिखता है और कहीं नहीं दिखता. इसमें क्या होता है? इफ द डीप स्केल्स आर रिमूव्ड, वन और मोर टाइनी ब्लीडिंग पॉइंट्स आर डिस्क्लोज. क्या होता है, स्किन के ऊपर बहुत सारी स्केल्स जो होती हैं, पपड़ी पपड़ी बन जाती है. आप उसको अगर रिमूव करते जाए, रिमूव करते जाए, तो काफ़ी सारा सुपरफिशियल, फिर डीप स्केल्स. तो जब डीप स्केल्स रिमूव करेंगे, आपको छोटे छोटे पिन पॉइंट्स से ऐसे ब्लीडिंग पॉइंट्स नजर आएंगे. दिस इज योर असाइंड इंडिकेटिंग सोरियासिस. ठीक है, सोरियासिस कॉमन होता है काफ़ी ज़्यादा, आप क्लिनिकली काफ़ी देख सकता है. नेक्स्ट इज योर हेगोमेनाकी साइन. हेगोमेनाकी साइन, आई डोंट एग्जैक्टली नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, बट या हेगोमेनाकी साइन, इट इज सीन इन कॉन्जनाइटल सिफिलिस. ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, के सीईटी में आ चुका है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। सिफिलिस की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस भी होता है। तो जो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होता है उसका साइन जो होता है वो हैगोमेनाकी साइन होता है। इसमें होता क्या है, इट इज करेक्टराइज बाय रेगुलर थिकनिंग ऑफ स्टोनो क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ क्लेविकल। मतलब क्या होता है, आपको बंदे में क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या उसका स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है, स्टर्नो क्लेविकुलर पोर्शन जो है, जहाँ पे आपकी स्टर्नम और क्लेविकल बोन आके मिल रही है, क्या वो थिकंड है? आपको वहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी, थिकनेस सी दिखाई, मतलब ऑब्वियसली दिखेगा तो नहीं, बट अगर आप एक्सरे वगैरह लेंगे तो यू मस्ट बी सीइंग दैट सम थिकनेस, कुछ भी। तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ योर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, हैगोमेनाकी साइन इसको हम बोलते हैं। आप इसको किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, हैगोमेनाकी साइन। नाउ एनदर इज योर टॉरसेस साइन। यू कैन सी द स्पेलिंग TROUSSEAUS, टॉरसेस साइन। टॉरसेस साइन जो होता है दैट इज सीन इन योर टेटनाई, दैट इज योर टेटनेस। होता क्या है, बंदे के अंदर पैराथायरॉयड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। आपको पता है हमारी एक थायरॉयड ग्लैंड होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसमें छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं चार, उसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स की अगर कमी हो जाती है तो उसको हाइपो पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। उस केस में हमें एक साइन दिखता है जिसका नाम होता है टॉरसेस साइन। नाउ टॉरसेस साइन इज द अपीयरेंस ऑफ कार्पल स्पाज्म आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द आर्म, इन्फ्लेशन ऑफ स्फिग्नोमैनोमीटर कफ, बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्फिग्नोमैनोमीटर कफ। होता क्या है, हम यूजुअली जो पेशेंट आते हैं उनका बीपी चेक करते हैं क्लिनिक्स में। बेसिकली जो हमारा डेंटल प्रोफेशन है, तो हम वी यूज टू मेजर द बीपी ऑफ द पेशेंट बिफोर एनीथिंग लाइक एक्सट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम बीपी मेजर करते हैं, वी यूज टू टाई द कफ ऑफ द स्फिग्नोमैनोमीटर। और कई बार क्या होता है कि उससे जो लोग होते हैं उनका हाथ सुन्न पड़ जाता है। कार्पल स्पाज्म अगर होता है, दिस मे बी इंडिकेटिव ऑफ अ टेटनाई एंड दिस मे बी इंडिकेटिव ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सो दैट साइन इज कॉल्ड अ टॉरसेस साइन। सो क्लिनिकली टॉरसेस साइन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर चौस्टेक साइन। यू कैन सी हियर CHVOSTEKS, चौकेस साइन। चौकेस साइन क्या होता है, दैट इज ऑल्सो सीन इन टेटनाई, बट हेयर द डिफरेंस इज दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर पैराथायरॉयडिज्म, दिस इज रिलेटेड टू योर ब्लड कैल्शियम लेवल्स। बंदे के अंदर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, इफ वी टैप एट द एंगल ऑफ सॉ। मतलब क्या होता है, जो हमारी फेशियल नर्व होती है, आपको पता होता है पैरा जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वहाँ पे हमें जो हमारी फेशियल नर्व होती है डिवाइड करती है उसके अंदर। तो अगर आप वहाँ पे एंगल ऑफ सॉ पे अगर आप टैपिंग करते हैं फेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है, इट कैन कॉज ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस ऑन द सेम साइड। उसी साइड के फेस के मसल्स की ट्विचिंग हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। तो एक टाइप का इप्सिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बंदे को, उसके सारे एक साइड की फेस की सारी साइड मसल्स काफ़ी जकड़ जाएंगी। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा मुंह हिल नहीं रहा, जकड़ गया। दैट इज योर चौकेस साइन एंड दिस इज इंडिकेटिव ऑफ टेटनाई एंड दिस इज इंडिकेटिव ऑफ लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स। लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स से फेशियल नर्व का इस तरह से जब स्टिमुलेट करते हैं उसको, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स में। नेक्स्ट टॉक अबाउट बैटल साइन। बैटल साइन आप याद रख सकते हैं, जंग लड़के आते हैं तो बैटल, ठीक है। और जब जब हम जंग लड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ टूटा फूटी होती है, तो फ्रैक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे इट इज सीन इन सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर्स इन्वॉल्विंग बेस ऑफ स्कल। जो हमारा स्कल होता है उसका जो बेस होता है, अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाए, जिसको हम बेजलॉइड फ्रैक्चर्स कहते हैं, बेजिलर फ्रैक्चर्स कहते हैं, बेजिलर फ्रैक्चर हो जाए या फिर सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, बेसिकली आपके मैंडिबल का फ्रैक्चर, उसमें भी आपके सब कॉन्डाइलर पार्ट का फ्रैक्चर, या फिर आपके स्कल के बेस का फ्रैक्चर, दैट इज योर बेजिलर फ्रैक्चर। दो टाइप के फ्रैक्चर्स में हमें बैटल साइन दिखाई देता है, आइदर मे बी रिलेटेड टू योर माउथ एरिया, दैट इज रिलेटेड टू योर मैंडिबल, और आइदर रिलेटेड टू योर बेस ऑफ स्कल। इट इज करेक्टराइज बाय एक्मोसिस इन द पोस्ट ऑरिकुलर रीजन ओवर द मैस्टॉइड प्रोसेस। कान के पीछे दैट पोस्ट ऑरिकुलर रीजन, वहाँ पे हमें एक्माइमोसिस, मतलब वहाँ पे हमें रेड रेड कलर का, डार्क डार्क कलर का पैच दिखाई देगा। दैट इज योर बड़ा सा लाल रंग का, मेहरून रंग का पैच दिखाई देगा कान के पीछे, दैट इज योर
metals sign. Now let's talk about another sign that is called as Guerin's sign. Can you see battle sign ke niche ek word likha hua hai, Guerin sign, Guerin. Guerin sign kya hota hai? Guerin sign kya hota hai? This is seen in Lefort 1 fractures. I hope aapne फो फाइनल ईयर में पढ़ा होगा लीफो फ्रैक्चर्स. लीफो फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन, लीफो फ्रैक्चर 1, 2, 3, उसमें जो लीफो फ्रैक्चर 1 होता है दैट इज फ्रैक्चर जिसमें हमें Guerin साइन दिखाई देता है. इसमें क्या होता है, एक्विमोसिस हो जाती है ग्रेटर पैलेटाइन फॉर्मन. होता क्या है, आपका जो पैलेट वाला एरिया होता है, आपने फॉर्मेंस पढ़े हैं, आप एक ग्रेटर पैलेटाइन फॉर्मन होता है आपका पैलेट एरिया में पीछे की तरफ, जहाँ पे आपका प्रॉपर अगर आपने प्रोस्थो में कास्ट बनाई होंगी, मैक्सिलरी कास्ट, मैंडिबुलर कास्ट, नॉर्मल कास्ट, तो उस कास्ट में आपने मार्किंग्स करी होंगी, लैंडमार्क्स पड़े होंगे, तो आपको पता चला होगा एक मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी होती है. ठीक है, वहाँ पे हमारे पास उस एरिया के आसपास हमारे पास एक फॉर्मेन होता है. अगर उस एरिया में आपको कोई भी ऐसा एक्विमोसिस दिखता है, एक्विमोसिस का क्या मतलब होता है, बेसिकली वहाँ पे खून वगैरह जम जाता है, एक्विमोसिस इज अ टाइप ऑफ ब्रूज. ठीक है, बड़ा बड़ा ब्रूज पड़ जाता है. ठीक है, तो अगर आपको उस पैलेट एरिया पे, उस एरिया में पीछे की तरफ पोस्टीरियर रीजन में अगर आपको कुछ एक्विमोसिस दिखाई देता है, जरूरी नहीं है पोस्टीरियर, मिडल में भी दिख सकता है, तो वो आपका Guerin साइन होता है. दैट इज ड्यू टू डिफॉल्ट वन फ्रैक्चर. ठीक है, तो याद रखना है Guerin साइन बेसिकली ग्रेटर पैटर्न फॉर्मेट की वजह से दिखता है. नेक्स्ट इज योर रकून आईज. रकून आईज आपने बहुत बार पढ़ी हुई होंगी, फाइनल ईयर में बहुत बार पढ़ाया जाता है उरल सर्जरी में रकून आईज. रकून आईज में क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल एक्विमोसिस हो जाता है. पेरी ऑर्बिटल मतलब आँख के नीचे बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा पैच पैच सा दिखाई देगा, पूरी आँख के नीचे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पैच बन जाएंगे. दैट इज योर पेरी ऑर्बिटल एक्विमोसिस एंड इट इज यूजफुल फीचर इंडिकेटिव ऑफ बेजल फ्रैक्चर. ये मेन फीचर होता है बेजल फ्रैक्चर का. इसका मतलब बंदे का बेस, स्कल का जो बेस है वहाँ पे फ्रैक्चर है, तभी उसकी आँख के नीचे खून जमा हो गया. ठीक है, कंडीशन इज सीन इज पेरिओर्बिटल एक्विमोसिस फ्रॉम सब कंजक्टाइवल हेमरेज विच अकर्स सेकेंडरी टू ब्लड डाइसेक्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रप्टेड स्कल कॉर्टेक्स टू द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ पेरिओर्बिटल रीजन. बेसिकली स्कल के बेस के नीचे फ्रैक्चर हुआ, वहां से खून निकला और आंख के नीचे जाके जम गया. दैट इज योर रकून आईज. रकून एक एनिमल होता है, वैसी वैसी आंखें दिखाई देती हैं. देन इज योर हैंगिंग ड्रॉप साइन. हैंगिंग ड्रॉप साइन इन रेडियोग्राफ्स. हैंगिंग ड्रॉप साइन क्या होता है, अगर आप रेडियोग्राफ्स देखते हैं किसी बंदे के, आप गूगल करेंगे आपको तभी मिल जाएगा. हैंगिंग ड्रॉप साइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीयर ड्रॉप साइन. होता क्या है कि जो बंदे का नॉर्मल एक एक्सरे होता है, उसमें नॉर्मल हमें जाइगोमेटिक बोन जो दिख रही होती है, उस रेडियोग्राफ में क्या होगा, जिसमें हैंगिंग ड्रॉप साइन अगर दिखता है तो उसमें क्या होगा, जो आपकी जाइगोमेटिक बोन होती है ना, जाइगोमेटिक आर्ची होती है, वहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ टपक रहा है, टीयर कुछ हैंग कर रहा है, लटका हुआ है. तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज योर हैंगिंग ड्रॉप साइन इन द रेडियोग्राफ्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर. आग के नीचे का फ्लोर, ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होने की वजह से वी गोना सी समथिंग हैंगिंग फ्रॉम योर जाइगोमेटिक आर्च एंड इट इज ड्यू टू हर्निएशन ऑफ इन्फीरियर ऑर्बिट ऑब्लीक एंड इन्फीरियर रेक्टस मसल्स. बेसिकली आँख की मसल्स में हर्निया हो जाता है. कौन कौन सी मसल्स होती हैं, इन्फीरियर ऑब्लीक मसल होती है और इन्फीरियर रेक्टस मसल होती है. और ये कौन से रेडियोग्राफ में दिखता है हमें, वॉटर्स व्यू. बहुत सारे रेडियोग्राफ्स में बहुत सारे व्यूज होते हैं, कुछ ओबेसिटीज होते हैं, कुछ वॉटर व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से फ्रंट में सब कुछ ऑर्बिट्स एंड जाइगोमेटिक बोन सब कुछ प्रॉपर फ्रंट व्यू होता है. ठीक है, वॉटर व्यू को पी व्यू भी कहते हैं. और उस व्यू में आपको अपनी जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, बंदे की जाइगोमेटिक बोन में कुछ हैंगिंग नजर आएगा. दैट इज योर टीयर ड्रॉप और हैंगिंग ड्रॉप साइन ड्यू टू ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, क्योंकि आंख की जो मसल्स थी उसमें हर्निया हो गया. नेक्स्ट साइन इज योर क्रोज साइन. क्रोज साइन, CROWE. दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी फ्लेक्सिंग. क्रोज साइन आप ऐसे आ सकते हैं कौआ. ठीक है, अब कौआ काला होता है. ठीक है, कौवा काला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं. कहाँ पड़ते हैं, जो बंदे की एक्सिल होती है. एक्सिल क्या होती है, आर्मपिट. जो बंदे की आर्मपिट होती है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ ऐसे
स्पॉट्स नजर आएंगे ब्राउन से कलर के, ब्राउन ब्लैक कलर के, ब्लैक नहीं होता मेनली ब्राउन होता है। तो आप क्रो से याद रख सकते हैं कि क्रो क्योंकि ब्लैक कलर का मतलब डार्क कलर का होता है ऑब्वियसली, तो मे बी उससे आपको स्पॉट्स याद रहे। एक्सिलरी फ्लेक्सिंग होती है ये, और ये किसमें दिखाई देती है बेसिकली, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इट इज योर वॉन्ट रेक्लिंगहॉन्सन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एलिफेंट मैन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसे। आप गूगल कर सकते हैं, आपको बेटर इमेजेस वहाँ पे दिख जाएंगी। तो बेसिकली वॉन्ट रेक्लिंगहॉन्सन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और एलिफेंट मैन डिजीज। एलिफेंट मैन डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि बंदे में इस तरह से पॉलीफ्रेशन होने लग जाते हैं टिश्यू की, वो धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है, उसका शरीर एलिफेंट जैसा हो जाता है। और इसको, और उसमें जो साइन हमें दिखता है एक्सिलरी फ्लेक्सिंग में, दैट इज योर क्रो साइन। देन मर्फी साइन, मर्फी साइन बहुत कॉमन है, आपने अपनी मेडिसिन में पढ़ा होगा थर्ड ईयर में। मर्फी साइन क्या होता है, जो बेसिकली कॉलीसिस्टिस की वजह से मॉर्फी साइन दिखाई देता है। होता क्या है कि जो बंदा, जहाँ पे लीवर होता है बंदे का, ठीक है, वहाँ पे इफ़ यू गोना फ्लेक्स समथिंग, तो फ्लेक्स नहीं, अगर आप बंदे को कहें लेट के कि आप फुल सांस भरिए, तो वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं भर पाएगा, उसको पेन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका लिवर का मिडल बॉर्डर जो होता है वहाँ पे, उसको प्रेशर फील होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि डिजीज होती है उसको कॉलीसिस्टिस, तो कॉलीसिस्टिस के चलते मोफी साइन दिखाई देता। मोफी, मर्फी, बर्फी, बर्फी, बर्फी बीता था, नहीं बीता था, जो भी था आप उससे रिलेट कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। देन यूज योर टनल साइन, टनल साइन, जैसे कि टनल होती है ऐसे कि टिनल होती है। टिनल, टिनल, टिनिटस आपने सुना होगा, टिनिटस, टिनिटस क्या होता है कि सेंसेशन सी हो जाती है, उसी टाइप से टनल साइन होता है। होता क्या है इसमें, जो इट इज यूज अर्लियर एज ए इंडिकेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ नर्व रीजनरेशन। मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने हाथ देखें, तो हाथ के साइड में इफ यू वांट टू प्रेस समथिंग, अगर वहाँ पे कुछ नर्व डैमेज कभी हुआ था, तो वहाँ पे नर्व बन रही है, रीजनरेट हो रही है, तो अगर आप वहाँ पे उसको परकशन करेंगे, अगर आप वहाँ पे उस डिवाइडेड एरिया पे, डिवाइडेड नर्व के एरिया पे, तो उससे क्या एक टिंगलिंग सेंसेशन आएगी आपकी पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरल सेक्शन में। इट इज इलेक्टेड बाय परकेशन ओवर द डिवाइडेड नर्व, विच रिजल्ट्स इन टिंगलिंग सेंसेशंस इन द पार्ट सप्लाइड बाय द पेरिफेरल सेक्शन। पेरिफेरल सेक्शन मतलब जो हाथ पैर होते हैं, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी जब हम परकशन करेंगे डिवाइडेड नर्व के ऊपर। तो ये इंडिकेटिव इंडिकेशन होती है, जो साइन होता है टिनल साइन, एक इंडिकेशन होती है किसकी, नर्व रीजनरेशन की, कि हाँ नर्व बन रही है। दिस इज गुड साइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज योर साइनॉप्सिस पार्ट वन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।